अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। देखें आज कितना अच्छा सा यहाँ सनशाइन हो रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 की वजह से हम लोग, बल्कि हम नहीं, सब लोग ही, कोई भी कहीं जा नहीं सकता, तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा आज क्यों ना घर पे ही बारबेक्यू किया जाए। लेकिन सबसे पहले मैं देख के आऊँ कि मेरी जो बारबेक्यू मशीन है उसकी क्या हालत है, क्योंकि विंटर बहुत लॉन्ग होता है और हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आज मैंने कहा आज का जो वेदर है उसका हम थोड़ा सा फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं ज़रा देख के आऊँ अपने बैकयार्ड में कि क्या पोजीशन है हमारी मशीन की। देखिए कितना अच्छा सनशाइन है, नेचुरल विटामिन डी मिल रही है आज। तो आई थिंक इट लुक्स परफेक्टली फाइन, या क्योंकि हस्बैंड ने एक दो दिन पहले इसको साफ़ किया था, तो ये ठीक लग रही है, काम कर सकते हैं हम। तो ऐसा करते हैं कि पहले हम, सबसे पहले मेरा ख्याल है जो कबाब हैं उनकी तैयारी कर लेते हैं। मेरा ख्याल है ये अच्छे से गूंद गया, क्योंकि माय आर्म इज गेटिंग टायर्ड नाउ, सो दैट मींस कि ये अब अच्छे तरीके से गूंद चुका है। तो अब जो है इसमें मैं एंड के ऊपर ये जो ग्रीन आनियन है वो डालूंगी। तो अब ये बारी है हमारे टिक्कों की और जो लेग्स हैं उसकी। चलें जी अब ये कबाब बना लेते हैं। ये एक बन गया और सारे आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह बना लेते हैं। सैलड बनाने लगी हूँ, पेस्टा जो है उसका सैलड बनाऊंगी। थोड़ा सा इसको हेल्दी वर्जन में बनाते हैं। मैं इसमें बस कुछ चीज़ें डाल रही हूँ, ये सालसा है और बीन्स वगैरह डालूंगी ताकि थोड़ा सा हमें प्रोटीन मिल जाए। और इसके साथ मैं कॉर्न भी डाल देती हूँ क्योंकि ये हम सबकी बड़ी फेवरेट है। तो थोड़ा सा मेयोनेज डाल रही हूँ, वो सिंपल सा सैलड है, बहुत मज़े का बनता है। तो बस इसको मिक्स कर लेते हैं और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें थोड़ा सा ग्रीन आनियन डालूँगी, मुझे बहुत पसंद है। मेरे ख्याल सालसा थोड़ा सा और डाल देते हैं। तो अब इसमें मैं ये कुछ ग्रीन आनियन और ये करली पार्सली जो होता है वो डाल रही हूँ। बस ये रेडी हो चुका है। तो अब बाकी की चीज़ें जो है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो चलें जी अब ये वेजिटेबल्स की बारी है। तो इसमें मैं सबसे पहले जो है ये डालूंगी ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत हेल्दी होता है। तो ये इसमें डालने के बाद मैं इसमें कोई लेमन वगैरह नहीं डाल रही, वो बाद में आप यूज़ करें, क्योंकि लेमन डालने से वो पानी छोड़ देता है। तो ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये क्लब पैक यहाँ पे मिलता है, ये कंपनी है उसके स्पाइसेस हैं। ये कुछ मैं ये डाल रही हूँ, ये वेजिटेबल्स के होते हैं और साथ में थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये थोड़े से स्पाइसी हैं, शायद ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स जो है वो इसमें हैं। तो ये दोनों मैं जो है मिक्स करके तो बस इसको लगा दूंगी और फिर हम इसको फॉइल में डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आई थिंक थोड़ा सा मैं ऑलिव ऑयल और डाल देती हूँ। और बस इसको अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसको फॉइल पेपर पे रखेंगे। तो अब देखिए ये फॉइल पेपर है, मैं क्योंकि इसको स्टीम दूंगी ग्रिल पैन के ऊपर, तो इसलिए मैंने ये, देखें ये मैंने फॉइल में डाल दिया, ठीक है। सारे स्पाइसेस अच्छे से इनको निकाल देते हैं अगर कोई डिश में है तो। और उसके बाद ये जो फॉइल
फॉइल पेपर इसको सील कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। इसको तीनों साइडों से इसको ऐसे सील करेंगे। और उसके बाद देखेंगे अब तीनों साइडों से अच्छे से सील हो गया। नाइफ के साथ थोड़ा सा इसको प्रिक कर देते हैं ताकि जो स्टीम होगी वो बाहर निकल जाए। दैट्स इट। चलें जी, हमारे बारबेक्यू की तैयारी अब होने लगी है। हर चीज़ तकरीबन रेडी है। मैंने ये देखें वेजिटेबल्स जो हैं, ये मैंने एक्चुअली इंडोर ग्रिल है उसके ऊपर रखनी है क्योंकि जगह कम थी, तो मैंने कहा इंडोर जो ग्रिल है वो बाहर ले आती हूँ, तो ये वेजिटेबल मैंने इसमें स्टीम होने के लिए रख दी हैं। और बाकी चीज़ें भी बिल्कुल रेडी हैं, तो चलें तैयारी शुरू करते हैं। अच्छी सी यहाँ हवा चल रही है, बड़ा अच्छा वेदर है। जो कुछ चीज़ें इस पर डाल दी हैं, वेट कर रहे हैं। मैं खाल गिर कर ठकना जो है बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। कबाब जो है हमारे रेडी हो रहे हैं और ये हमने इसके ऊपर रख दी है। ये हमारे बन भी इसके ऊपर रख देते हैं क्योंकि मेरा बेटा जो है वो वेट कर रहा है और बेटी भी वेट कर रही है बन के लिए। खाला ज़रा देख लें कि हमारी जो वेजिटेबल्स हैं उनका क्या हाल है। बड़ी अच्छी सी इसमें से स्टीम निकल रही है ये देखें, और बड़ी अच्छी सी खुशबू भी आ रही है और लगता है कि बड़ा अच्छा सा बन रहा है। वेजिटेबल्स जो हमारी बड़ी अच्छी बन रही हैं। ये देखें कितनी ज़बरदस्त थी, वाह लुक एट दैट, क्या तैयारी इसमें से खुशबू आ रही है और बड़ी ज़बरदस्त ही बनी है। थोड़ा सा इसको मिक्स कर देते हैं एक दफ़ा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त ही बन रही है। लेते जाएं और खाते जाएं। टेक वन मोर हियर। ओके जी, ये देखें कितनी मज़ेदार सी वेजिटेबल हमारी रेडी हो चुकी हैं। बारबेक्यू जो है वो डन हो चुका है और ये लेफ्ट ओवर फूड है। और अब एक्चुअली मामा की बारी है, सब लोग खा चुके हैं लेकिन मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो मैं अब मेरे खा लूँ। तो होपफुली आपको आज का मेरा ब्लॉग जो है अच्छा लगा होगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिए, फिर मिलूँगी आपके साथ एक नई रेसिपी के साथ। आज कोई रेसिपी नहीं थी लेकिन होपफुली ये जो ब्लॉग है आपको अच्छा लगा होगा, तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक रेसिपी के साथ। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिल सके।